हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। 20/8/2024 की न्यूज़ के साथ मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूं। देखिए, ये न्यूज़ रीच है, मैं आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद का भूखा हूं। आप लोग नीचे कमेंट करके बताओगे कि क्या सुबह सुबह जो है आपको 10 से 12 जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ पेपर की खबर है पूरे भारत से, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है फॉर्म भरने को डेट को लेकर, या फिर जो भी एजुकेशन वाले सेक्टर में जो भी चीज़ें नई नई हो रही है उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। और हर सुबह आपको जो है ये वीडियो मिल जाएगा, रोज 10 बजे जो है आपको 10 AM में ये वीडियो आपको मिल जाएगा। न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हम लोग इस वीडियो में खास करके जो सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट है वो मैं आपको बता दूं, BPSC TRE में जो है शिक्षकों के पदों को जो है बढ़ाया जाएगा। ये वीडियो मैंने कल भी अपलोड करी थी, न्यूज़पेपर के माध्यम से देखेंगे क्या क्या बातें लिखी गई है। JPSC की जो कॉपियाँ हैं उसको जो है कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर ने जांचा है, सीधी सीधी बात ये है। और डिस्टेंस एजुकेशन में जो है ये इन 5 इंस्टीट्यूट में आप जो है एडमिशन नहीं लोगे, इनकी मान्यता को रद्द कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी चीज़ों को देखेंगे। देखिए, अगर आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है या फिर जो जॉब में जाना चाहता है, अग्निवीर में जाना चाहता है, तो उनके लिए देखिए वायुसेना में भर्ती है और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 29 अगस्त तक किया जाएगा। कहाँ से किया जाएगा, तो agnipath.vayu.cdac.in पर जाकर आप कर सकते हो। योग्यता क्या चाहिए, 12th में या फिर 12th के समकक्ष में जो है अगर आपने साइंस से मैथ यानी कि मैथ के साथ साथ फिजिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट से लिया हो, और 50% अंक होना अनिवार्य है, और डिप्लोमा और 3 वर्ष का जो है इंजीनियरिंग डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। अब अगली जो खबर है यहाँ से देख लीजिए, BPSC TRE 3.0 के लिए है। बैकलॉग यानी कि जो TRE 1 और 2 में शिक्षक के पद खाली रह गए थे उनको जोड़ते हुए जो है शिक्षक के पदों की गणना की जाएगी, और फाइनल जो है जो रिक्तियां हैं उसको यहाँ पे जारी किया जाएगा। टाइम आपका बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे खबर वाली बात करेंगे। अब यहाँ से देख लीजिए, MNNIT के हर विभाग में जो है 1-1 करोड़ से जो है नए नए लैब को बनाया जाएगा। कहाँ की खबर है, प्रयागराज की खबर है, यूपी की ये खबर है। भावी इंजीनियरों को जो है इसमें जो ट्रेनिंग वगैरह है उनकी अच्छी से हो पाएगी। आगे देखिए, अब यहाँ से देख लीजिए खबर क्या है, NCERT की जो है नई किताबें नहीं छपी है, तो इसलिए जो है पुराने वाले किताबों से ही जो है अभी पढ़ाया जाएगा। कहाँ की खबर है, प्रयागराज की खबर है। और देखो एक्चुअली क्या हुआ, रॉयल्टी और GST का विवाद यहाँ पे हुआ था, जिस वजह से जो है NCERT के क्लास 9 से 12 तक के किताबों का प्रकाशन नहीं किया जा सका है। तो अब इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। कई जिलों के सभी बच्चों को किताबें मिली है, कौन कौन से वो जिले हैं, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, गौतम बुद्ध नगर, शामली, अमरोहा, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, कानपुर नगर और कानपुर देहात के लिए जो है 100% बच्चे को किताब मिल चुका है। अब अगली खबर देखिए क्या है, शिक्षकों को 8 साल पहले मिला था वेतनमान, अब उठी है आपत्ति। ठीक है, क्या है यहाँ से देख लेते हैं ताकि आपको पूरी खबर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। समाज कल्याण विभाग के अनुदानित स्कूलों में जो शिक्षक कार्यरत हैं सालों से उनको 2वें दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। एक्चुअली ये 7वें वेतन भुगतान के लिए जो है जो टीचर जो है उनको सैलरी में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। यहाँ पे कुल मिला के खबर यही है। अब आगे देखिए, तो आपको रांची से देखने को मिलेगा कि 25 नवंबर से जो है राष्ट्रीय स्कूल खेल जो है यहाँ पे आयोजित किया जाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के माध्यम से। करंट अफेयर्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम आयोजन बेहतर तौर पर करेंगे, कौन कह रहे हैं, आदित्य रंजन, राज्य परियोजना निदेशक, JEPC। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राष्ट्रीय स्कूल खेल का जो है आयोजन झारखंड में किया जाएगा, याद रखिएगा इसे। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये हो गया। फाइनली जो ये आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, मैंने 3 से 4 मिनट में आपको सारी खबर दे दी है। अगर आपको कल भी इसी तरह की खबर चाहिए होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के बीच इस वीडियो को जरूर शेयर करें, साझा करें, उन तक पहुँचाएँ ताकि और लोग भी जो है चैनल पर आ सकें और उनको सही और सटीक इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।